बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकिया करबला के हवाले नाल अज सारी पंजवी किस्त दावी मुहर्रम के वाकियात पे मबनी है। तुसा वाकिया करबला के हवाले नाल सारिया पहलिया दिस्तान समात फरमाइया कि वाकिया करबला का तारीखी पस मंजर क्या है। वल तो को यह दसाया कि इमाम आली मकाम ने मदीना क्यों छोड़ा, मक्के क्यों तशरीफ गिनाए। वल मक्के तो आपने कूफा आले पासे जनाबे इमाम मुस्लिम को क्यों रवाना कीता, ते वल आप खुद कूफा आले पासे क्यों रवाना थे। ये सारिया मुख्तलिफ किस्तां दे विच जनाब दे गोश गुजार कर चुके हैं। अगर समात नहीं फरमाइया तो इन्हां किस्तों को पहले समात फरमेसो तो वल ये किस्त सही तरीके नाल समझ आ सी। ये 9 अक्तूबर की दिहार ही 680 ईस्वी है, 10 मुहर्रम उल हराम 661 हिजरी है। 61 हिजरी फजर की नमाज मेरे इमाम अदा की, जल्ले नमाज अदा कर खड़े तो डिठा लश्कर यजीद दे विज तबले जंग वजदे पाए हैं। मेरे इमाम ने उन टाइम यजीदिया को मुखातिब करके एक खुतबा दिता, मगर यजीदिया सुनी अन सुनी कर दी। खुतबे का भी कहते असर थीवे ना थीवे, जनाबे हुर दे उते उनका असर थिया। जनाबे हुर ने यजीदी लश्कर को छोड़ा, यजीदी लश्कर को छोड़ के जनाबे इमाम दे कोलों आके कदमा ते हाथ रखिया, हाथ बद के आखा इमाम मेरी गलती है, मैं को मुआफ़ कर दो। जनाबे इमाम आली मकाम ने फरमाया सुबह दा भुला विया, अगर शाम को वापस आ वंजे तो उनको भुला विया नहीं आ दे। हुर तू आ गए, तू जहन्नम तू निकल के जन्नत आले पासे आ गए, तू यजीद कोलो निकल के हुसैन आले पासे आ गए, तू अबू जहल उतबा शेबा आले लश्करी चो निकल के मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले लश्करी आ गए, तेको मुबारक होवे, तू जन्नत आले पासे आ गए। वाल जनाब हुर ने उन टाइम यजीदिया को खिताब किया, ओ यजीदियो मेरे इमाम त्राए गाल ही तो आको आखियन, उन्हें चो कोई हिक मन गिनो। लेकिन उन टाइम यजीदी लश्कर दा जड़ा आलमबरदार है, वो आख्या मैं कोई गाल भी तुहाडी नहीं मन सकदा। वल जंग दी इब्तदा थींदी है, यजीदी लश्कर दा जड़ा आलमबरदार है उनका नाम जुवैद है। ये झंडा चा के घिनाया इबने साद दे कोलू, इबने साद ने कमान चई तीर छिका, ते पहला तीर जनाबे इमाम आले पासे छट के आ दे। ओ कूफियो गवाह रवाए, पहला तीर इमाम आली मकाम आले पासे मैं सट है। अब आप इतना सोचण दा मरहला है, इबने साद साद बिन अभी वकास दा पुत्र है, ते साद बिन अभी वकास ओ सहाबी हैं जिन्हें गजवाए बदर दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफों काफरा आले पासे पहला तीर सटा है। लश्कर यजीद विच जोश ओ खरोश है, उन्हां को पता है कि साकु इनाम मिल से। तेनों लश्कर हुसैनी दे विच भी जोश ओ खरोश है, जज्बा है। उथा जज्बा है साकु यजीद इनाम देसी, इथा जज्बा है साकु सादा अल्लाह इनाम देसी। असा हुणे मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी च पहुँच वैसों, वल आबे कौसर दे हौज भर भर के पीसों। यजीदी लश्कर दी तरफ पहले पहले दो बंदे आने सही, यसार ते सालिम नंदा ना, ये इबन ज़ियाद दे गुलाम हैं, बहुत तकड़े जवान हैं। हुसैनी लश्कर दे विचों दो बंदे पहले पहले निकले, हबीब इबन मज़ाहिर ते बुरीद बिन हुज़ैर। लेकिन जनाब इमाम ने उन्हें कहा तुसा ना वंजो हाले, तुसा रुको ही थी। वल अब्दुल्ला बिन उमैर कल भी आया, जनाब इमाम ने मैं नज़र जो उठाई ना, अब्दुल्ला बिन उमैर ही खट्टा खट्टा जवान है, ये मजबूत जवान को देख के जनाब इमाम आख्या तू वन इन वेंदे, ते उन्हें दुआ को फौरन फिनार करके वापस आ वेंदे। वत कूफी लश्कर दे विचो यजीद बिन मुवक्कल आंदे, इको बरीद बिन हुज़ैर फिनार कर देंदे। वाल जनाब हुर मैदान ही जानते,
ते उन्दे मुकाबले दे विच यजीद बिन सुफियान आंदे जनाब हूर पहले वार दे विच खत्म कर दें। हिक हिक यजीदी कुत्ता आंदा गया हुसैनी शेर को दाप के सटेंदा गया। जेले ए सूरत हाल उमरू बिन हुजाज दे दे ओ आदे ही हमले ना करो ओ हाशमी नौजवान तो खावे से तुस्ता उन्हें देवा मुकाबले दे नहीं वे ही किक वंजो कट्ठे थी कि हमला करो ते ही मेमना ते वंज के हमला कीता। कुछ देर दे बाद इमाम दा पहला ही साथी शहीद थी दे इमाम दा जेड़ा पहला साथी शहीद थी दे उन्हें ना है मुस्लिम बिन औसजा वाल शिमरी एक बहुत बड़ी जमात दे नाल मैसरा ते हमला कर दें दे इमाम दी तरफों मत्री जवान हैं जेड़े लड़दे पैन घोड़ियां ते सवार हैं। शिमर दा लश्कर चूंके वड़ा आए उन्हें तीरां दी बारिश कर दी थी मौज यादा इन्हां दे घोड़े जख्मी थी गए घोड़ियां टुरन तो इनकार कर दिता मत्री जवान घोड़ियां तो तले आके वत लड़न शुरू कर दें। जेले पेशींदा टाइम थींदे हबीब इब्ने मज़ाहिर जनाब इमाम को आदन हजूर नमाज दा टाइम थी गए जनाब इमाम आख्या वंज ना यजीदियां को आख साकु नमाज अदा करण दियो। हबीब इब्ने मज़ाहिर जले वंज किया दे साकु नमाज अदा करण दियो अगु लईन खड़ाई हसीन बिन नुमैर ओ आदे तुआरियां नमाजां कियां कबूलन। हबीब इब्ने मज़ाहिर को गुस्सा आवेंदे ओ लईना अगर इमाम आली मकाम दी नमाज भी काबिले कबूल नहीं तो कहदी नमाज कबूल होसी। हबीब इब्ने मज़ाहिर को तो बहु गुस्सा आंदे तलवार चागी दी यजीदी लश्कर विच घुस गए आनन फानन 83 बंदे को फिनार कर दिता। आखिर उन्हें मिल के हुसैन दे ही हुसैनी शेर ते हमला कीता ते हबीब इब्ने मज़ाहिर अल्लाह को प्यारे थी गए शहीद थी गए। जब हबीब इब्ने मज़ाहिर को शहीद थी दिठा मेरे इमाम दे दिल ते बड़ा असर थिया। मेरे इमाम गमजदा थे जब उन्हें को गमजदा दिठा जनाब हूर तू ना दिठा गया जनाब हूर रिज पढ़ते हुए तलवार चाके यजीदी लश्कर घुस गए ना ते कईयां यजीदियां को फिनार करे ने वाल बहु वड़ी फौज ने जनाब हूर दा इन्हों मुहासरा कर दिता जनाब हूर को भी उन्हें शहीद कर दिता। जितने तोड़ी इमाम दे साथी मौजूद हैं उन्हें बनी हाशिम दे कहीं नौजवान को जंग दे विच नहीं वंजन दिता इत्थां हुण बनी हाशिम दे सारे नौजवान जितने भी हैं हुण बाहरों आए क्योंकि बिया कोई फौजी या सिपाही उन्हां दा नहीं रह गया। हुण सब तो पहले औलादे अकील सामने आंदी है हज़रत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील हज़रत जाफिर बिन अकील हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अकील ते अब्दुल्ला बिन अकील ए वंज के हमला करे ने ढाढ़ी जबरदस्त लड़ाई करे ने ते चूंकि उन्हां दी तादाद ज़्यादा आई ए चारे शहीद थी वे ने। वक्त फरजंदा ने अली मौला अली मुश्किल कुशादी वाली आंदी है अबू बकर बिन अली उमर बिन अली उस्मान बिन अली ते जाफिर बिन अली मैदानी जानन ते अली दे शेर हन इन्हां दा आनन फानन तहस नहस कर दिता यजीदियां को। यजीदी अली दे शेरां दा मुकाबला ना कर सके पिछे दूर दूर खड़ के ना तीरां दी बारिश कीती और इस तरीके नाल मौला अली दे लखते जिगर जामे शहादत नोश कर गए। वाल जनाब इमाम दे भतरीजे मैदान दे विच आनन सब तो पहले अब्दुल्ला बिन हसन आनन और ए वैनन लड़दे लड़दे शहीद थी वैनन। वाल जनाब इमाम डिठा हजरत इमाम हसन दी निशानी अमीर कासिम आने पैन मेरे इमामा का कासिम किन ते आना पैन चाचा मैं कू जंग दी इजाजत दो मेरा इरादा है मैं जल्द अज जल्द नाना मुहम्मद अरबी दी कचहरी च वंजना चाहना बाबे की ते मुझे कड़ी है मैं उन्हों को मिलना चाहना। जनाब हुसैन फरमैन तू तो मेरे हसन वीर दी निशानी है जेको मैं जदा मैं को हसन वीर किते मुंह झांदी है मैं तै को देख गिंदा मेरी प्यास खत्म थी वेंदी है मैं तै को इजाजत नहीं देंदा। जनाब कासिम मगमूम थी के अपनी अम्मा दे कोलो वेनन अम्मा आदिए ये तो गलत गाल थी तेरी गल दे विच तेरे बाबे एक तवीज पाता है ते आखा दी जदा कोई मुश्किल टाइम वाए आवे ते को खोल के पढ़ के नए। सैयदा ने वो तवीज खोला तवीज पढ़ा तवीज दे विच लिखा भी आया है कासिम जदा हुसैन दे उते कदे मुश्किल टाइम आवे तू पीछा ना होवे तू सब तू पहले पहले अपनी जान दा नजराना देवे। खत चाके जनाब कासिम
सैयदना इमाम हुसैन दे कोल आंदे, चाचा देखो मेरा बाबा क्या लिख दिया है। सैयदना इमाम आली मकाम ने तहरीर पढ़ी, चुम के अखी ते लई। जनाबे कासिम दा मत्था चुम के अखोने, वन मेरे हसन वीर दी निशानी, तू ही जामे शहादत नोश कर। जनाबे कासिम वेनन हुण ललकार के आदन, गलो कूफियो मेरे मुकाबले दा कोई तुहाडे कोलों है तां। इब्ने साद उहदा इक वड्डा पहलवान लई जांदा, अर्ज़ा खई, अर्ज़ा को आखदी वाणी दा मुकाबला कर। अर्ज़क त नाराज़ थी वेंदे इब्ने साद नाल, मेरा मुकाबला ई बाल दे नाल करना चाहने, ते को बाल मेरे मुकाबले ते मेरी हद तक कीती है, मेरे पुत्र खणन पहले मेरे पुत्रां गल, पहला पुत्रां दे आके वार करेंदे। जनाब कासिम ने पहला वार जो कीता, उहदे पुत्र दे टुकड़े टुकड़े कर दिते। वल अर्ज़क दा दूजा पुत्र आंदे, ओ भी आनन फानन जनाब कासिम ने उनको खत्म कर दिया। त्रीजा पुत्र था हुसीज के आंदे, कावेड़ दे विच आंदे, मंदे कठेंदा भी आंदे। जनाब कासिम आगे साडी ये तरबियत नहीं, अस मंदे को आ मुकाबला करने था, मैं अली दा पुत्र हाँ, मेरे नाल मुकाबला कर। मुकाबला कीता, वार कीता, जनाब कासिम ने रोका। वल जनाब कासिम ने जरा वार कीता तो गर्दन कट गई, जनाब कासिम दा घोड़ा जख्मी थी आवाज आई। आपने छलांग ला के अर्जा काले पुत्र दे घोड़े ते बह के आखा, आओ मुकाबले कीते। चौथा पुत्र आंदे अर्जक, ऊ को जनाब कासिम ने खत्म कीता। हुण तां अर्जक दे मुंह च झग गई, अर्जक चारे पुत्र कुछ देरी ठिगड़ा आई ते गुस्से दे विच आंदे, आके जनाब कासिम दे नाल लड़ाई शुरू करेंदे। जनाब कासिम दे वार रुके नन, ते वल अपना वार जो करे नन तो लिख देन कि ओ वार इतना कारी है। जनाब इमाम हुसैन दे ई शेर जनाब कासिम दा, के अर्जक दे सिर दे पार ही, अर्जक दे जिस्म दे पार ही, घोड़े दे पार ही, घोड़ा भी कट गया। वल जले उन्ना डिठा इब्ने साद दे लश्कर ने आखा, ए अली दा शेर साडे हथे नहीं आंदा, मिल के जड्डा भी कहे अली दे शेर को मारे, सारिया मिल के मारे, कल्ले बंदे दा कम नहीं। जनाब कासिम दी लाश दे टुकड़े टुकड़े थी गन, मेरा इमाम रो रो के जनाब कासिम दे टुकड़े कट्ठे करके गंढड़ी बद के खेमे दे विच वांज रखेंदे, आदे आओ तुहाडा कासिम घोट परनीज के आगे, तुहाडा कासिम घोट सिरे बद के आगे। कासिम दी शहादत तो बाद कासिम दे दू भाई उमर और अबू बकर भी शहीद थीनन। वल मेरे इमाम ने डिठा सैयदा जैनब ने दू बालां दियां उंगलियां पकड़ा, अपनी उंगलियां उन्हां दे हत्थे पकड़ा के घिदियां नियन। जनाब इमाम कुछ दिन भेण किंते आनी पई, सैयदा जैनब आदिए तुहाडे नां तू अपनी जोड़ी को कुर्बान करन किते आंदी पई। आपने फरमाया मैं अपने भणेजियां को नहीं मरामना चाहता। सैयदा ज़ैनबादियन मैं को अम्मा दे हजूर सुरखरू करा भिरा, जदा सारे क्यामत अल दिमाग रख सन, मैं ए करबला दे मैदान च कुहाया, मैं एक होया तो अम्मा को मैं भी आखसा, मैं दे भी दू बाल हन, मैं भी शहीद करा के। बेणी भिरा दी मुहब्बत है, आप रुकेंदे रहे। सैयदा ज़ैनब जले बार बार इसरार किया, जनाब इमाम ने ओनो मोहम्मद को वंजन दी इजाजत दे दी। इवन लड़ दिन और आखिरकार यजीदी ज्यादा होने अली दे ए शहर भी कट वेन। जनाब इमाम दे कोल हुण दू शेर बाकी बच गए हैं। एक पासों जनाब इमाम दे, जनाब इमाम दा कड़ियल भिरा 32 साल जवान जनाब अब्बास बैठा है, ते बाएं पासों मेरे इमाम दा कड़ियल नबी दी शक्का लाला पुत्र अली अकबर बैठा हा। अज बैठे ही हैं सैयदा सकीना हाथ दे विच बर्तन चा के आनियन, चाचा मेरा भिरा असगर मरदा पिए, मैं को पानी चाहिए बस जीवें कर। जनाब अब्बास उठी ने असगर को दे दिन, असगर दा तड़पना बर्दाश्त नहीं कर सकते, भाई दे अगू हाथ बदन, मेरा भाई मेरा इमाम मेरा बालिक मैं को इजाजत दो, मैं असगर दा तड़पना नहीं देख सकता। जनाब इमाम ने इजाजत दी, पर मैंने सकीना तेरा 6 महीने दा असगर मरदा पे
अपने 6 महीनों के असगर के पारू मेरा 32 साल का वीर न कुहा। जनाबे अब्बास घोड़े ते रवाना थीनन, मशक हाथ दे भी चैनन और रवाना थी वनन दरियाए फरात आले पासे। अली रा शेर जेड़े पासो वनिया दुश्मन हिक पासे हाट बजन, रस्ता आपे बने दे गए। अली दा पुत्र फरात दे किनारे वन के पानी को हथे लेंदे, ई बुक भरे दे दरी पीमा प्यास बहुत शदीद है। मुंह तोनी घिन की आंदे वल सोच आंदी है, मेरे इमाम दा पुत्र असगर मरदा पे तू पानी पीना छोड़ दी। मशक भरिए जल्दी जल्दी घोड़े ते सवार थन, घोड़े ते सवार थन, कह मूजी दी कह लईन दी करीब आवण दी जरूरत नहीं थी। दूर तू तीरां दी बारिश वसई ने अब्बास गाजी अब्बास मशकीजे को बचेंदे रह गए। बड़े जख्मी थे बदन, ई सूरत जले अली दे शेर को जख्मी दिते ने, ता एक जर्राहा नामी पहलवान उन्हां दा आयूं आके इमाम दे बाएं मूंढे दे उते हमला कीते। अब्बास दी एक बाह कपीज के तले बन पई, वतबिया एक लाइन दे दखड़ाई नौफल बिन अरजक, उन्हें आके बाएं बाजू ते हमला कीते। जनाब अब्बास दा दूजा बाजू कट गए, जनाब अब्बास ने वह मशकीजा फुर्ती दे नाल अपने मुंह दे विच पा गिदे। अजा मशकीजा कुछ बाकी है, जालमा ने मशकीजे दे उते तीर चलन, मशकीजे दे जो पानी सारा किर गया। वाला तीरां दी बारिश थी है, जनाब अब्बास घोड़े तो तले हैं, आवाज़ आंदी है या खाह अदरिकनी, मेरा भिरा मेरी मदद को आ। और जनाब अब्बास शहीद थी वे, जनाब अब्बास की लाश को मेरा इमाम मूंढे ते चा के आंदे और आके खेमे दे विच रख के आंदे। सकीना तेरा भिरा तो पता नहीं बचदा या नहीं बचदा, मेरा भिरा नहीं बचा, मेरे अब्बास मेरी कमर दा जोर खत्म कर छोड़े। जनाब अब्बास दी लाश तो बाद जनाब अली असगर अली अकबर अन नब्बा मैं को इजाजत दो मैं भी जंग करण वेना। मेरे इमाम फरमाया अकबर तू नबी दी शक्का लाला है, मदीने दे लोगों को जदा मुंह जांदी है तेरा चेहरा आन के दे दिन, नबी दी याद आवे तेरा चेहरा आन के दे दिन। मैं नबी दी शक्ल को करबला दे मैदान च नहीं रुलावना चाहता। जनाब अली अकबर आदम बाबा याद तुस्सा ना मंजो, अगर तुस्सा वेंदे वे तो पहले मैं वैसा। और लोग क्या से ना मन वाला मोर क्या सी, जनाब हुसैन अपने पुत्र को इजाजत नहीं दीती, जनाब इमाम ने इजाजत दीती है। जनाब अली अकबर मैदान ही चाहन सारे लोग सुन रखाई, जनाब हुसैन दा पुत्र अकबर नबी दी शक्ल लै सारे देखण लग गए। कोई मुकाबले ना आवे, जनाब अली अकबर ने खुद वन के हमला किया। इतरा दिन दा प्यासा लड़दा वदे, कोई मुकाबले जले नहीं आंदा, उमर बिन सादा दे तारिक बिन शीस तेको मूसल दी हकूमत मैं लिख देना, तू मुकाबले चाह। तारिकी लालची चांदे जनाब अली अकबर ने उकू कतल कीता। वातू दा पुत्र आंदे उमर बिन तारिक, जनाब अली अकबर उकू ही फिन्नार कीता। वतबिया पुत्र आंदे तलहा बिन तारिक, जनाब अली अकबर ने उकू ही फिन्नार कीता। जेड़ा भी मुकाबले चावे कट वंजे, इब्ने साद मुहकम बिन तुफैल को 1000 दा लश्कर दे के आंदे वन चारों तरफ घेरा पा। जनाब अली अकबर दे चारों पासों घेरा पाते ने, जिले घेरा पाते ने तीरां दी बारिश जनाब अली अकबर दे उते थींदी है। जख्मी थी के घोड़े ते तले आनन सर सजदे च रख के आदन, मैडा मालिका मेरे उते राजी थी वे। जनाब इमाम दे दे बैठे ने अली अकबर दा ढावणा, परे तो आदन अल्लाह तो को हलाक करे, मुहम्मद दी शक्ल कोई जमीन च मिला दिते वे। जनाब इमाम आनन अपने कड़ियल जवान दी लाश को मूंढे ते रख के खेमे दे विच आखदन, आओ अपने अकबर दे बंधे वे सेरे खोलो, अकबर जन्नत पहुँच गई है। इतरे तुणी इमाम ने डिठा सैयदा रुबाब असगर को हत्था ते चा के आ दिए, क्या इमाम मैं कोलो होनी दा तड़पना देख डिठा नहीं वेंदा, वंजो तो सही मत जजीदी इंदे उते तरस खावेन ते को पानी दा घुट देवन चा।
इमाम ना मनेंदे ना मनेंदे कि क्या आखन मैं कूफियां दे अगू सवाल कीता है। लेकिन वल ये सोच आई कि थे कियामत अल निवार जजीदी ये ना आखन साकलो मंगे ना ने पाने। इमाम ने हाथ ते अली असगर को रखे दूर तो जरा जजीदियाँ डिठे उन्हें आके इमाम कुरान चाह के आंदा पे फैसला करना चाहते हैं। जनाब इमाम मुखातिब तैन लोगों तुआडा झगड़ा मेरे नाल है पिया ये 6 महीनिया दे बाल नाल क्या झगड़ा है। मेहरबानी करो एक ही घूट पानी दा लियो जा जिदा पानी दा घूट है इब्ने साद हुरमला को आ दे वार कर ये बात बहुत तेज है तीर दे निशाने दा एक वड्डा तीर ओ तीर जरा जनावर को शिकार करन के इस्तेमाल करे ने जो चलाए इमाम दे 6 महीनिया दे बाल अली असगर दे गले ते लग गए गले चो खून दा फुआरा जनाब इमाम ने हाथ दे उते जले हाथ ते जल के आसमान आले पासे उछाल छुड़े न आप जनाब अली असगर दे खून नाल अपनी दाढ़ी को रंगे न घिन के आनन हाँ रुबाब अपना पुत्र तेरा सिराब थी के आ गए। इस तो बाद जनाब इमाम खुद मैदान आले पासे बहन दे इंशाअल्लाह अगली किस्त दे विच जनाब मुलाहिज़ा फरमाइए।